शो क्रिंज नहीं शो नहीं हो रही, होता है, नहीं नहीं हो रही, क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग भी नहीं होते, नहीं हो रही क्या? हो रही है रिकॉर्डिंग तो, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्रिंज स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं स्क्रीन होता स्क्रीन है। पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका, स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं, ओके okay. हो रही है, हाँ अब हो रही है। हाँ स्टार्ट करूं। हाँ आधुनिक युग के जनक व आयुर्वेदाचार्य थे, फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है शिवानंद, श्री राम, टी कृष्णाचार्य, महर्षि रमन। टी कृष्णमाचार्य, हाँ सही ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है सुनील कीजिए, है ना। इसको दो पुट दिए हैं, ए बी और 1 2 3 4, इसको मिलान करना है। श्यामा चरण लाहड़ी, टी कृष्णाचार्य, शिवानंद और श्री रामा हिमालयन। इसके आगे डिवाइन लाइफ मैं और कर देती, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, बंगाली बाबा, भूपेन सन्याल और योग मकरंद। इसका ऑप्शन बताइए, ये है ऑप्शन नीचे कूट में। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? जी मैम दिख रहा है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आपको मैसेज नहीं दिख रहे मैम? नहीं मैम, मुझे मैसेज नहीं दिख रहा एक्चुअली, मेरे पास एक ही मोबाइल है। हाँ ऑप्शन सही है, ए। ओके ओके श्यामा मैम, ऑप्शन ए दे रहे हैं चंद्र सब। लाड़ी का मैं इसका वो डिटेल कर देती हूँ। श्यामा चंद्र लाड़ी के साथ भूपेन सान्याल जो उनके शिष्य थे, टी कृष्णाचार्य का योग मकरंद है, बुक लिखी हुई थी उनने, और स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी उनकी एक सोसाइटी थी जिनने उन्हें ओरिजिन किया था, और स्वामी श्री राम हिमालय बंगाली बाबा उनके गुरु थे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? फर्स्ट ए दयानंद सरस्वती, बी शिवानंद, सी महर्षि रमन, फोर्थ सत्या स्वामी सत्यानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, नहीं, दयानंद सरस्वती, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ए ऑप्शन है इसका। हिमालयन योगी की उपाधि है महर्षि रमन, ए बी श्री रामाचार्य, टी टी कृष्णाचार्य, डी स्वामी राम। फोर्थ बी बताइए। हाँ राम, राइट, अच्छा स्वामी राम ना, कि टी कृष्णाचार्य, स्वामी स्वामी राम। राम। ओके फिफ्थ है, स्वामी विवेकानंद ने वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ की, है ना। ऑप्शन ए नवंबर 1894 न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी नवंबर 1894 कोलकाता में, ऑप्शन सी दिसंबर 1876 फ्रांस में, और ऑप्शन फोर दिसंबर 1896 हरिद्वार में। पता नहीं, ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए होगा हाँ वन, हाँ ना, न्यूयॉर्क, ए 1894 हाँ न्यूयॉर्क। राइट, ए ऑप्शन ए है नवंबर 1894 न्यूयॉर्क में। ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा ना। नहीं, श्री अरविंद ने योग साधना प्रारंभ की थी, किस योग योग के द्वारा उन्हें साधना प्रारंभ की थी? यम नियम से, आसन से, ध्यान से, प्राणायाम से। मैम स्क्रीन ऊपर, पूरा दिखा रही हाँ हो? स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी, हमको दिखाई नहीं दे रही, स्क्रॉल करना पड़ेगा। सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री अरविंद ने योग साधना प्रारंभ की, यम नियम, आसन, ध्यान, थोड़ा प्राणायाम। ऊपर कर लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा और ऊपर कर करूं? लीजिए। हाँ जी बस अब ठीक है। बताइए, अब सही है? फिर हाँ जी से बोलूं, श्री अरविंद ने योग, प्राणायाम से, नहीं
और बोलिए। ध्यान से, ध्यान हाँ से मैम, नहीं ध्यान नहीं, आसन, फिर बचे दो ही, एक तो प्राणायाम। होगा उसमें। उनने प्राणायाम से स्टार्ट किया था अपनी साधना, ठीक तो है। मैंने प्राणायाम प्राणायाम बोला ना मैम, मैंने वो वाला ही बोला बोला था, ना, हमेशा नहीं मैंने ध्यान आपको सुनाई दिया, बोला। ध्यान बोला था आपने। मृणालिनी किसकी किसी ने बोला, पत्नी थी? मैंने मैंने सबसे पहले प्राणायाम बोला, फिर ध्यान किसी दूसरे ने बोला मैम, मैंने प्राणायाम ही बोला था। अच्छा, ओके मैंने ओके ध्यान ओके बोला था। ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा नहीं मिलानी, कोई बात क्वेश्चन नहीं। नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। मिलानी किसकी पत्नी थी? श्री अरविंद घोष की, स्वामी पत्नी शिवानंद की, स्वामी विवेकानंद की, महर्षि रमन की? अरविंद घोष जी, अरविंद घोष की। हाँ राइट। सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने, ठीक है। इसमें सामने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको आपको मैच करके सही ऑप्शन बताना है। दिख रहा है प्रॉपर यस मैम? मैम, कोड दिखा दीजिए। हाँ ऑप्शन ए ए है, ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन? ए ए हाँ राइट, ए है। ओम का उच्चारण और पद्मासन लगाकर समाधि योगी रहे, है ना। महर्षि महेश योगी, महर्षि रमन, दयानंद सरस्वती, श्री अरविंद। महर्षि रमन। हाँ सही है, नहीं इसी में ही समाधि, मतलब इनने अपने प्राण का त्याग किया था। श्री राम आचार्य को गायत्री मंत्री दीक्षा दी थी श्री श्यामाचरण लाहड़ी, श्री अरविंद, श्री राम हिमालयन, पंडित मदन मोहन मालवीय। डी हाँ डी वन पंडित मदन मोहन मालवीय। डी मैम, हाँ डी। हाँ हाँ राइट राइट। श्री श्यामाचरण लाहड़ी किस योग से संबंधित है? भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, क्रिया योग? क्रिया क्रिया योग, क्रिया योग जी। योग। हाँ हाँ राइट। टी कृष्णाचार्य संबंधित थे वैष्णववाद से, शैव दर्शन से, सांख्य तंत्र से, इनमें से कोई नहीं? शैव दर्शन, नहीं, क्रिया, इनमें से कोई भी से कोई नहीं होगा मैम। अद्वैत अद्वैत में से दर्शन? कोई नहीं नहीं, नहीं से कोई वैष्णववाद थे वो, वैष्णववाद थे, वैष्णववाद नहीं थे वो, वैष्णववाद थे टी कृष्णाचार्य, ठीक है। ऑप्शन नहीं आएगा। श्यामाचरण लाड़ी को निम्न पद्धति से ज्ञान प्राप्त हुआ था? अभ्यास से, शिक्षा से, स्वाध्याय से, शक्तिपात से? शक्तिपात से, शक्तिपात से। हाँ राइट। कुंभकर्ण उपनाम किसका है? श्री अरविंद घोष का, महर्षि रमन का, त्रि कृष्णाचार्य का, स्वामी शिवानंद सरस्वती का? महर्षि शिवानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रमन, रमन जी, रमन। महर्षि रमन, रमन जी, हाँ महर्षि महर्षि रमन। रमन का है, महर्षि रमन का। ऑप्शन बी आएगा, है ना। इसमें फिर से सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका, दिख रहा है आप लोग को? मेरी डी, आवाज आ रही है ना? यस डी आंसर है, डी डी आंसर होगा मैम। डी डी है हाँ मैम। राइट राइट, डी है ना। महर्षि महेश योगी का मुद्रा राम है, श्री रामाचार्य का वेद मूर्ति है, स्वामी शिवानंद सरस्वती का कुप्पू स्वामी है, और श्यामाचरण लाहड़ी के गुरु थे माँ अवतार बाबा, ठीक है। भगवान की उपाधि प्राप्त योगी, भगवान की उपाधि किसे मिली थी योगियों में, है ना। स्वामी राम को, महर्षि महेश योगी को, महर्षि रमन को, टी कृष्णाचार्य को? महर्षि महेश योगी, रमन ही लग रहे हैं अभी, रमन। जी जी महर्षि रमन, ठीक है। हाँ रमन, रमन, ओके। सी ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। दक्षिणा मूर्ति अवतार कहा जाता है ना। श्री महर्षि राम भी रमन, रमन को ही हाँ कर रहे। हाँ हाँ रमन ठीक को, है, सॉरी बिल्कुल सही, ऑप्शन ही नहीं बोलने दिया। सॉरी, पहले बोल दिया। श्री कृष्णाचार्य प्रमुख रूप से संबंधित हैं प्राणायाम, ध्यान, आसन, उपरोक्त सभी?
उपरोक्त सभी। हाँ राइट। किस विद्वान द्वारा दी गई गीता की व्याख्या शीर्ष पर है ना, पंडित श्री राम शर्मा की, श्री श्यामाचरण लाहड़ी की, स्वामी राम की, इनमें से कोई नहीं। पंडित श्री राम ऑप्शन है। स्वामी राम, पंडित हाँ श्री राम ये लग रहा है। स्वामी नहीं नहीं राम और ऑप्शन बी हो सकता है फिर, श्यामाचरण। हाँ श्री श्यामाचरण लाड़ी, इनकी गीता की जो बुक थी ना वो बहुत अच्छी मतलब लिखी हुई और बहुत सटीक शीर्ष है, मतलब इनके वो बहुत है कॉपियां। ठीक है, 19 बी है, श्री रामाचरण लाड़ी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करके कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने, है ना, इसमें सही बताना है। दिख रहा है? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महर्षि रमन, स्वामी श्री ये दयानंद सरस्वती। आंसर है मैम। हाँ ए है। ए, फिर से देखो हाँ अच्छे से, सही सी और डी होगा। में ए ए नहीं है नहीं है। ऑप्शन, सी और मैम डी सी हो सकता है, में नहीं, दो सी है, नहीं सी ए है, नहीं है, ए नहीं है मैम। सी है। नहीं, फिर से देखो एक बार अच्छे से। डी हाँ ऑप्शन डी है इसका। लग रहा हाँ स्वामी विवेकानंद वेल्लोर मठ कोलकाता है ना, 4 जुलाई को वो उनसे मिले थे अपने प्रमाण से। अरविंद घोष का है, ये पौंडीचेरी में उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। महर्षि रमन है, 14 अप्रैल 1980 में इनकी वो हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, अजमेर, 30 अक्टूबर। इंटीग्रल योग मुख्यतः किससे जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद, श्री रमन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी, श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष। अरविंद घोष, हाँ राइट अरविंद राइट। अपने को जाने यह संदेश किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी श्री रमन ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महर्षि महेश योगी ने। स्वामी विवेकानंद कंफ्यूजन है। महेश ए होगा मैम, डी होगा। नहीं, स्वामी श्री रमन ने। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक एक सुमेलित नहीं है, मतलब एक उसमें गलत है, बताइए आप लोग इसमें देखिए। ये कूट नहीं है, इसके ऑप्शन लिखे मेरे सामने, इसमें से आपको देख के ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या नहीं है, मतलब एक इसमें कोई गलत है उसे चुनना है, समझे आप क्वेश्चन को। हाँ जी डी डी सही है, क्योंकि महेश महेश योगी का मतलब 12 जनवरी 1918 में जन्म तो राजिम में डी हुआ था, लेकिन 5 फरवरी उनकी मृत्यु कहीं और हुई थी, है ना, छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। श्री रामाचार्य द्वारा हरिद्वार में गायत्री परिवार का मुख्यालय किस सन में स्थापित हुआ था? ए 1971, बी 1980, सी 1980, बी 1977, डी 1970। 77 हाँ डी लग रहा है। हाँ बी सही है, ऑप्शन सही है। महर्षि महेश योगी के संबंध में निम्न कथन सही है, कौन सा कथन सही है? अद्वैतवाद के समर्थक थे, सन 1998 में महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की, महर्षि ने सन 2008 में इनका देहांत नीदरलैंड में हुआ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है। हाँ सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, केवल धाम की स्थापना किसने की थी? टी कृष्णाचार्य, स्वामी श्री रमन ने, स्वामी स्वामी कुमार कुवल्यानंद ने, स्वामी शिवानंद सरस्वती ने।
एनर्जी। हाँ जी, सही ऑप्शन है। ठीक है, हो गया फिनिश, इतना ही बना पाए। बहुत नहीं, बहुत अच्छे एफर्ट्स अच्छा, लिए, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन थे मैम, थैंक यू। अच्छा। ओके है ना, एक मिनट। क्वेश्चन ठीक थे? वो अच्छे थे, आपका बहुत वो अच्छे थे एम आई क्वेश्चंस। करके जो सर ने लिखवाया था वो